जांजगीर चांपा में बीजेपी के प्रदेश सहप्रभारी नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। आपको बता दें कि नवीन ने कहा कि केंद्र सरकार शानदार काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में भेदभाव किया है और लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आप चले जाइए हर शराब की दुकान पर और देखिए कि सीएम के लिए अलग कलेक्शन सेंटर है और जो भोक्ता है उसको अलग देना पड़ रहा है। इस शराब के माध्यम से कितने बड़े का 2000 करोड़ तो अभी ईडी ने बताया है। मैं बता रहा हूँ कि एक बड़ा रैकेट है और जितने मकान अटैच हो रहे हैं और जितने संपत्ति अटैच हो रहे हैं वो तो 10% भी नहीं है। इन लोगों ने इस राज्य की जनता का खून चूसने का काम किया है। क्या करेंगे भैया, जो इस गंगा जल का अपमान किया हो उससे क्या उम्मीद करो। 36 में से 36 वादे छलक दिए गए। बेरोजगारी भत्ता की बात करो तो आज बेरोजगार के लिए 1,25,000 रुपया प्रत्येक युवाओं का बकाया है, कहाँ गया वो? 3 महीने में भी आधा लोग को छाट रहे हैं। तो युवाओं के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, ट्राइबल्स के साथ, तेंदुपत्ता का विषय उठाइए तो तेंदुपत्ता वाले के साथ धोखा। कौन ऐसा विषय है जिसमें इससे छला नहीं है? ये जो रुपेश है ना, ये ठगेश है।